तो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या आपका भी JSSC JEE का जो जूनियर इंजीनियर का जो झारखंड JSSC का जो वैकेंसी आया हुआ था उसका फॉर्म फिलअप करने में आपका भी क्या गलती हुई थी, तो उसका एडिट करने का डेट स्टार्ट हो गया है और क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं इस सारे की बातें बताऊँगा, और क्या आप एडिट नहीं कर सकते हैं और कब तक आप एडिट कर सकते हैं ये भी बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी कर देना, एंड और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाओ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी @bimalanmol हमारे इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ जाकर भी फॉलो कर लीजिए। और तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप क्या क्या चीज़ एडिट कर सकते हैं और क्या आप एडिट नहीं कर सकते। तो अगर आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम अगर आपका नेम में गलती, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका नेम तो गलती नहीं होना चाहिए, नेम में गलती एंड डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर एंड जीमेल, अगर ये चार चीज़ में अगर आपकी गलती हुई है तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। और इसके अलावा नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ एंड जीमेल एंड मोबाइल नंबर, इसके अलावा अगर आपने कुछ भी चीज़ में गलती की है, जैसे कि मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल का स्थानीय का डेट गलती हो गया, फिर कुछ भी गलती हो गया, तो आप सारा बेझिझक आप एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बताऊँगा। तो जैसे ही आप अपना जो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, और उस लिंक को क्लिक करते ही आप एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। आप ये बात का ध्यान रखिए कि आपको केवल एक ही बार एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कि यू विल गेट ओनली वन चांस टू एडिट, इसलिए आप लोग एक बार जो मौका मिला है तो उसको अच्छे से भरिए और गलती दोबारा मत करने की कोशिश करिए, तो क्योंकि एक ही बार आपको ये मौका मिलेगा। फिर लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का कॉर्नर में आपको दिया हुआ रहेगा, कॉर्नर में जो दिया हुआ है इफ़ यू वांट टू एडिट योर डिटेल, इस पर क्लिक करना है, क्लिक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको क्लिक करिएगा तो आपको एडिट के लिए ऑप्शन मतलब पेज खुल जाएगा, फिर वहाँ जितना भी कुछ सारा कुछ एडिट कर सकते हैं। मैंने जैसे फर्स्ट में ही बता दिया क्या क्या एडिट कर सकते हैं, सब कुछ सारा अपना पर्सनल डिटेल हो गया, एडुकेशन डिटेल हो गया, या फिर कुछ भी चीज़ हो गया आप एडिट कर लीजिए आराम से। फिर उसके बाद आपको एक OTP डालना है नीचे, आप जैसे ही एडिट करके आपको नीचे में आपको यहाँ पर OTP डालना है, तो ये OTP आपको मेल में आपका जीमेल एड्रेस जो दिया हुआ है वहाँ पर आपका OTP जाएगा, वो OTP को यहाँ पर फिल कीजिए, फिर सबमिट कर दीजिए, फाइनल आपको सबमिट हो जाएगा बस। तो आई होप कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आया, तो मैं इसी तरह के वीडियो लाने की कोशिश करते रहता हूँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड आप डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक ITI वाले स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ इसलिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।